चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर में और आज हमारे साथ यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम जानेंगे उनसे उनका फीडबैक, कैसा ट्रेनिंग यहाँ चलता है, कैसा सर जो है राहुल सर और अविनाश सर कैसा ट्रेनिंग यहाँ देते हैं, आज हम ट्रेनिंग के बारे में समझेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? अरविंद कुमार सर। अरविंद, अरविंद कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर यूपी के। ओके, कितने दिन हो गए अरविंद यहाँ पर ट्रेनिंग? और आपने यहाँ का ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस भाई गूगल पे सर्च किया था। तो आपके भाई ने कांटेक्ट किया था। आपके भाई क्या काम करते हैं? हमारे भाई दुकान करते हैं। तो उन्होंने ये सर्च किया, तो आपको कैसे लगा, क्योंकि आप तो इस बैकग्राउंड से नहीं, आपका कोई रिलेटिव पहले से इस लाइन में नहीं है, तो आपने कैसे पता किया कि यही ट्रेनिंग करनी चाहिए? आपने कोई दूसरा ट्रेनिंग क्यों नहीं चूज किया? ये अच्छा था सर, दिल्ली नज़दीक था। नहीं, मैं ट्रेनिंग सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने फॉर्कलिफ्ट ही सीखना चाहिए। फॉर्कलिफ्ट क्यों सीखना चाहिए आपको? ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ फॉर्कलिफ्ट में ज़्यादा स्कोप है या दूसरी लाइन में कुछ कम स्कोप है? नहीं, फॉर्कलिफ्ट में सर भाई ने जॉब फेरी है, मिल सकता है हमको। ओके, तो क्योंकि फॉर्कलिफ्ट जो है आज उसके बिना कोई कंपनी चली नहीं सकती है, तो आज की डेट में हर कंपनी में लोडिंग अनलोडिंग रैकिंग हर चीज़ के लिए फॉर्कलिफ्ट यूज में आती है, तो आपने इसलिए चूज किया कि फॉर्कलिफ्ट सीखना चाहिए। तो आप अभी तक की ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड हैं? जी सर। आप अपने सुल्तानपुर यूपी के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे? हाँ देंगे सर, बिल्कुल दीजिए सर। भाई, मेरा भाई भी सीखने आएगा। ओके, नहीं तो आप दूसरे लोगों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? आपका भाई तो सीखने आएगा, आप भेजने वाले हैं उन्हें, पर दूसरे लोग जो यहाँ सीखने, जो ऐसा कुछ अपना प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, किसी कैरियर को चूज करना चाहते हैं, तो आप उनको सलाह देना चाहेंगे कि वो फॉर्कलिफ्ट को चूज करें या कोई अदर चीज को चूज करें? नहीं, फॉर्कलिफ्ट को ही सर चूज करें जी। तो आप अपने अब तक के ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड हैं? जी सर।